Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are staying healthy and fine. So, आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत अलग. हम कर रहे हैं स्टे एक होटल में और आपको मैं देने वाली हूँ इसका रूम टूर. तो अब बात आती है कि हम स्टे कहाँ पे कर रहे हैं. तो दिस इज़ ताज कोरोमंडल इन चेन्नई. और जैसे कि आप मुझे देख के समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल और एकदम ऑल सेट हूँ. मैं दो दिन से ऐसे ही घूम रही हूँ. दिस इज़ आर सेकेंड डे हियर. And the stay is so comfortable, so good, so luxurious. अगर रूम की बात करते हैं, रूम के डिटेल्स की बात करते हैं, तो द रूम वी आर स्टेइंग इन इज लग्जरी किंग बेडरूम, राइट रौनक? सो दिस इज़ द एंट्री वे टू आर रूम. और आपके जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, दिस इज़ गोना बी आर बाथरूम. सो ये मेरा तो फेवरेट पार्ट है इस रूम का. सो आई एम जस्ट कॉन्टम्पलेटिंग कि अभी दिखाना है या बाद में दिखाना है. अभी दिखाएंगे. सो एज सून एज यू एंटर इन टू द बाथरूम, आपके राइट हैंड साइड पर जो आपको दिखेगा वो है एक बड़ा ही सही सा बाथटब, जो कि लिटरली बहुत टेम्पटिंग है. मैं तो बहुत टेम्प्ट हो जाती हूँ ऐसा कुछ भी देखते ही. और आपके लेफ्ट हैंड साइड में है ये शार क्यूबिकल, विच इज़ लाइक वेरी गुड शार, मतलब एक टॉप शार है. और साथ में रेन मोड, मसाज मोड, पता नहीं क्या क्या मोड्स हैं, वो वाला शार है. मेरे पीछे एक मिरर है और मिरर के पास में सारे ही अमेनिटीज़ हैं. वहाँ अगर आप कॉर्नर में देखेंगे तो कॉर्नर में देयर इज़ अ लाइव प्लांट फॉर डेकोरेशन. बहुत बेसिक रखा है बट इट इज़ लुकिंग क्वाइट एलिगेंट. यहाँ पे सारे ही टॉयलेटरीज हैं विथ टू गुड नैपकिंस. और जो कलर कॉम्बिनेशन भी है ना, इट इज़ वेरी बेसिक येट वेरी एलिगेंट. मतलब गोल्डन कलर एंड बस एक ग्रीन कलर का थोड़ा सा हिंट. एंड देन जो टॉयलेटरीज हैं वो हैं फॉरेस्ट एसेंशियल्स की. ताज के सारे ही प्रोडक्ट्स, सारे ही प्रॉपर्टीज़ में फॉरेस्ट एसेंशियल्स ही यूज़ होते हैं. देन दिस इज द शार क्यूबिकल, ये है टॉयलेट एरिया. चलो अब वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं. इस डोर को भी बंद कर देते हैं जिससे इससे ज़्यादा टेम्पटिंग ना हो, ठीक है. सो इसके अगर आगे आते हैं, जैसे ही हम आगे आते हैं, हम आ जाते हैं हमारे रूम में. तो रूम में एंटर होते ही साइड में देयर इज दिस टेबल जिसके ऊपर आप आपका सामान रख सकते हैं. तो यहाँ पे दो बैग्स रखे हुए हैं. इसके बाद है ये एक बड़ा ही सही, बड़ा ही कम्फी सा बेड, लाइक लिटरली बड़ा ही कम्फी सा बेड. ये किंग साइज़ बेड है. इस रूम में, सिमिलर रूम में दो वेरिएंट्स हैं, एक में किंग साइज़ बेड है, एक में क्वीन साइज़ बेड है, बट दिस इज़ द किंग साइज़ वन. अब अगर आप वुडवर्क देखेंगे ना, तो वुडवर्क बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और रॉयल दिखता है. बहुत ज़्यादा तड़क भड़क सॉर्ट ऑफ नहीं है द शेड जो इन्होंने यूज़ किया है वुडवर्क के लिए. दिस इज़ हनी टोन, तो बहुत ही सही दिखता है. चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि वार्डरोब क्या है थोड़ा डिटेल में. सो जैसे हम ये वार्डरोब ओपन करते हैं ना, सो इफ़ यू कैन जस्ट सी, इट हैज़ सेंसर लाइट्स. आप इसको जैसे ही स्लाइड इन करोगे, स्लाइड करोगे, वैसे ही इसके लाइट्स ओपन ऑन हो जाएंगे. सो मैं आपको दिखाती हूँ फिर से कैसे होते हैं ये. सो ये बंद है और अगर जैसे ही मैं इसको खोलूँगी तो यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाते हैं और जैसे ही हम बंद करते हैं ये लाइट्स ऑफ हो जाते हैं. सो यहाँ पे हैं दो ये बाथरोब्स, यहाँ पे थोड़े से शेल्स हैं, ये कुछ ड्रॉर्स हैं. दीज आर लाउंड्री बैग्स, जहाँ पे अगर आपको कुछ लाउंड्री करवाना है तो यू कैन कीप योर स्टफ़ हियर. यहाँ पे है एक ये डिजिटल लॉकर, और यह भी मुझे बड़ा ही कूल लगता है. मतलब आपके पास कुछ भी अच्छा सामान है, वैल्यूएबल्स हैं, तो आप इसमें लॉक कर सकते हो. इसके बाद अगर हम वो वाले एंड पे आते हैं तो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या है. यस, तो यहाँ पे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं जो अभी यूज़ हो रहे थे. उसके अलावा यहाँ पे है एक ये अनबोर्ड, एंड देन देयर इज एन आयन. एंड उसके अलावा यहाँ पे रखे हुए थे बाथरूम स्लीपर्स, वो बनी स्लीपर्स भी, जो कि यूज़ हो चुके हैं तो अभी दिख नहीं रहे हैं. तो बेड के साइड में है ये एक साइड टेबल. इसके साथ जो मुझे सबसे अच्छा लगा, इसका जो शेप है वो बड़ा ही यूनिक है. दिस इज़ सर्कुलर इन शेप एंड द फिनिश इज़ सिमिलर विथ अदर फर्नीचर. यहाँ पे इसके नीचे देयर इज दिस ड्रॉर,
ये अभी खाली है. ड्रॉअर के जो नीचे है वो इनके म्यूजिक सिस्टम का एक यूनिट आई गेस वूफर्स, राइट. सो दिस रूम हैज़ 5.1 म्यूजिक सिस्टम, तो उसका एक यूनिट यहाँ पे रखा हुआ है. ऊपर में आप देखेंगे तो दो स्पीकर्स वहाँ हैं, दो स्पीकर्स मेरे सामने हैं, बिल्कुल मेरे ऑपोजिट हैं. और इन स्पीकर्स का जो फिफ्थ पार्ट है वो भी मेरे सामने रखा हुआ है टीवी के बिल्कुल नीचे, जिसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे. इसके ऊपर है एक ये इंटरकॉम, और एक्चुअली टेलीफोन आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं. यहाँ पे एक बड़ा ही सिंपल अगेन बट बहुत ही एलिगेंट सा लैम्प शेड. इसके बाद ये बेड है जो कि हम देख चुके हैं. बेड के बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे तो ये एक मिंटिश सा ग्रीन कलर का रग है, विच अगेन लुक्स वेरी क्लासी, और मेरे स्लिपर्स के साथ भी मैच हो रहा है, इफ यू कैन जस्ट सी. एनीवेज, यहाँ पे मेरे बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो ये है बहुत ही जायंट मिरर, जिसमें आप पूरे दिन खुद को देख के तैयार हो सकते हैं. इसके बिल्कुल साइड में अगर आप देखेंगे, इसके राइट हैंड साइड में, तो इसके राइट हैंड साइड में है हमारा टीवी यूनिट, और यहाँ पे बाकी सारे एसेंशियल्स भी हैं. सो मैं जल्दी से यहाँ आ जाती हूँ. यहाँ पे है ये टीवी जो कि अभी ऑन नहीं है, अदरवाइज ऑन होता है. के ऊपर रखे हुए हैं यहाँ पे ये बॉटल्स. इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोगों को लगा वो है ये रीयूजेबल बॉटल्स. एक तो इनका शेप बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही क्लासी सा है, एंड दिस इज़ ग्लास, ये लिटरली ग्लास के बॉटल्स हैं. पानी ग्लास में स्टोर करना बहुत अच्छा होता है, एंड दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव ना. यूजली हम कहीं जाते हैं तो वही प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, विच इज़ नॉट रियली गुड टू फॉर एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे रीयूजेबल बॉटल्स यूज़ हो रहे हैं. साथ में हैं दो ग्लासेस आपके पानी पीने के लिए. इसके नीचे वाले सेक्शन में है हमारा बेवरेज कॉर्नर, वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ. इसमें यहाँ पे हमारे टीज कॉफ़ीज रखे हुए हैं. देयर इज दिस इलेक्ट्रिक केटल, दो मग्स, और ये एक एक्स्ट्रा पानी का बॉटल. इसके नीचे ज़्यादा कुछ है नहीं. इसके नीचे ये कोस्टर्स वोस्टर्स पड़े हुए हैं, अभी सब कुछ खाली है. यहाँ पे भी एक ओपनर है, नथिंग मच. दूसरे वाले एरिया में है एक बार फ्रिज, विच इज़ अभी पूरा खाली, तो इसमें कुछ है नहीं. दिस इज़ अ स्मॉल फ्रिज हियर. सो यहाँ तो पूरा एंटरटेनमेंट जोन हो ही गया. इसके बाद थोड़ा कम वाला एरिया, तो दिस इज़ आर स्टडी एरिया, जहाँ पे बैठ के अभी हमारा काम चल रहा है. वी बोथ आर वर्किंग फ्रॉम हियर, सो यहीं पे बैठ के काम करते हैं. एक वहाँ बैठ जाता है, एक यहाँ बैठ जाता है. इसमें भी यहाँ पे एक ड्रॉअर है वेर इन यू कैन कीप ऑल योर वर्क एसेंशियल्स प्रॉब्ली. इसमें यहाँ पे ये एक फोल्डर है जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसके लिए मैं ज़रूर दिखाऊंगी. दिस हैज़ ऑल द स्टेशनरीज यू विल रिक्वायर और यू कैन रिक्वायर. यहाँ पे है एक ये पोस्ट कार्ड. अगेन ये भी ताज के सारे प्रॉपर्टीज़ में उस प्लेस का एक पोस्ट कार्ड ज़रूर होता है, एंड आई लाइक कलेक्टिंग दीज, तो ये मैं घर लेके जाने वाली हूँ. यहाँ पे है एक ये बुक टैग, एंड इट एक्चुअली फीचर्स इनका जो स्टोर है नीचे वो. इट हैज़ बनारसी साड़ीज़ का स्टोर और लाइक हैंडलूम स्टोर टेक्निकली, खजाना नाम से. सो ये है कुछ एनवलप्स हैं, कुछ लेटर पैड्स हैं, लेटर हेड्स हैं. और यहाँ पे है एक ये टेबल लैम्प जो अगेन बहुत सही है, यू कैन जस्ट मूव एज पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ से. सो ये मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ. यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं, यू कैन मूव इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, पूरा एडजस्ट हो जाता है. देन यू कैन मूव दिस शेड एज वेल. सो मैं यूजुअली यहाँ काम करती हूँ, और मुझे जहाँ पर भी लाइट चाहिए होता है मैं वहाँ पर इसको फोकस कर लेती हूँ, बिकॉज दिस रूम हैज़ वेरी कोजी लाइटिंग. पूरा येलो येलो डिम डिम सा लाइट है, तो काम करने में यार बहुत बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो यहाँ पर बैठ के आप इजीली काम कर सकते हो. इसके अलावा यहाँ पर है एक ये नोट पैड्स हैं छोटे छोटे, अगर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट या कुछ नोट्स बनाना है तो आप वो रख सकते हो. यहाँ पर है एक ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी यूज़फुल होती हैं, और ऐसा लगता है ना कि बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच है. हॉस्पिटैलिटी इज़ अमेजिंग ऑफ दिस प्लेस. तो अगर आपको कुछ चार्ज करना है लाइक योर लैपटॉप या बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल, तो सारा कुछ चार्ज कर सकते हैं. फ्यू मोर चार्जिंग पॉइंट्स आर हियर. दिस अगेन वेरी क्लासी येट सिंपल चेयर. यहाँ पे है एक ये वाज, ये भी बड़ा अच्छा है. इसमें ये बैम्बू स्टिक डला हुआ है. दिस अगेन इज़ लाइव प्लांट, जो कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है. यहाँ पे ना डेकोरेटिव्स में प्लांट्स को यूज़ किया हुआ है, मतलब बहुत नेचुरल सा एलिमेंट दे देता है किसी भी जगह को, इसके लिए अच्छा लगता है. और ये है हमारी
हमारी आई मीन ये रौनक की फेवरेट जगह है, मेरी तो वॉशरूम है स्टिल, ये रौनक की फेवरेट जगह है, रौनक पूरे दिन यहीं बैठे रहते हैं, दिस इज़ अ सिटिंग नूक हियर, यहाँ पे आप आराम से ऐसे बैठ के चिल कर सकते हो, सामने का व्यू देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, लाइक यहाँ से रोड दिखता है बट शाम को अच्छा लगता है देखने में, सो यस ये मैं वापस से रख देती हूँ। इसके बाद अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पे है एक सेंटर टेबल, आई मीन एक छोटा सा टेबल है, खाना वाना भी हम यहीं खा लेते हैं, एक यहाँ बैठ जाता है एक यहाँ बैठ जाता है और खाना भी हो जाता है। तो यहाँ पे एक और रीडिंग नूक मेरे लिए, तो एक चेयर है, चेयर के ऊपर एक छोटा सा कुशन है, आप यहाँ आराम से बैठ जाइए स्टाइल में, और फिर ये लैम्प ऑन करके यू कैन डू एनीथिंग, इवन फोटोग्राफ्स के लिए भी बहुत अच्छा है, हमने अभी तक एक भी फोटोग्राफ क्लिक नहीं किया है यहाँ, हम कर सकते हैं टेक्निकली। ठीक है तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, यहाँ पे अगेन वही सेम जो बेड टेबल वहाँ पे है वो ही यहाँ पे है। इसमें जो एक चीज़ बड़ी अच्छी और बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, आई लेट यू नो दैट, आई मीन हम दोनों तो इसी के साथ लगे हुए हैं, इट हैज़ ऑल द कंट्रोल ऑफ द होल रूम इंक्लूडिंग वॉशरूम, लाइक अगर आपको ये वाले कर्टन्स खोलने हैं या बंद करने हैं आप यहाँ से कर सकते हैं डेमो दू। तो कैमरा थोड़ा पास लाइए रौनक, थोड़ा डिटेल में दिखाते हैं। सो यहाँ पे ये सारा कुछ मेंशन है, आपको जो जो यूज़ करना है आप कर सकते हैं, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कर्टन कैसे बंद होता है। सो मैंने ये बस कर्टन वाला बटन प्रेस किया है और ये जो ब्लाइंड्स हैं ये बंद हो रहे हैं, यहाँ से आई कैन कॉल सर्विस लाइक द रूम सर्विस, मैं यहाँ से कॉल कर सकती हूँ, आई मीन गेस्ट सर्विस दे डू टर्म एज। इसके बाद यहाँ पे ये रीडिंग लाइट्स अगर आपको ऑन करना है, आपके बिल्कुल साइड वाला, आई मीन मेरे बिल्कुल साइड वाला लाइट ऑन हो गया है, दूसरा वाला रीडिंग लाइट ऑन करना है तो वहाँ से हो जाएगा। अगर आपको फॉयर एरिया के लाइट्स ऑन या ऑफ करने हैं, विच इज़ एट द राइट ऑफ यू रौनक, तो मैं वो बंद कर सकती हूँ, यहाँ से मैं वो उन्हें ऑन भी कर सकती हूँ ऑफ भी कर सकती हूँ। सिमिलरली ये रीडिंग लाइट्स जो है ना, तो इसलिए मैं इसी से खेल रही हूँ सीरियसली। सो दिस वॉज इट अबाउट दिस अमेजिंग एंड लग्जूरियस रूम ऑफ ताज कोरोमंडल। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू चेन्नई तो आप भी ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई ताज एट अ नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव प्राइस रेंज तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बिकॉज यहाँ का फूड, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी एंड यहाँ का जो वाइब है वो अमेजिंग है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ताज के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनमें ये इट इज़ नॉट एट वेरी एक्सपेंसिव रेंज, आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, बिकॉज दिस वॉज अ होटल टूर एंड इस तरह का वीडियो हमने फर्स्ट टाइम किया था, एंड वी आर प्लानिंग टू कम अप विद सच वीडियोज़ इन नियर फ्यूचर एज वेल, बिकॉज हम लोग थोड़ा सा ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं और अभी थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल एंड वी हैव अगेन स्टार्टेड ट्रैवलिंग, तो हम वो करने ही वाले हैं। एंड हम स्पेशली ताज के एक और रूम टूर के साथ आने वाले हैं नियर फ्यूचर में, एंड वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से बेटर है। यू कैन गेस द प्रॉपर्टी नेम, आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सा है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लाइक नॉट ओनली ताज, अगर आपको कोई भी होटल चेकआउट करना है तो यू कैन सजेस्ट अस, वी कैन चेक दैट आउट एज वेल। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, हम मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कैमरे के पीछे रौनक और कैमरे के आगे मैं, ये मुझे बहुत दिन से ट्राई करना था, कट कर देना। सो दिस वॉज इट अबाउट दिस वीडियो, वील मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।